तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डी की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास टेन के लिए असेसमेंट वर्कशीट को चैप्टर का नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ये ट्वेंटी वन एलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डेट के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और एनुअल के लिए भी तो अच्छे से समझना ओके क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न संख्या एक और दो बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि चार चार ऑप्शन है कोई एक राइट है क्वेश्चन देखो फर्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स वन टू थ्री डो दोन इज ए मल्टीपल ऑफ फोर इज संख्याओं एक दो तीन दो पंद्रह में से याद रूप से चुनी गई एक संख्या चार का गुणज होने की प्रायिकता है तो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला ध्यान में रखना इंग्लिश वाले पी इक्वल टू यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स हिंदी वाले प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कुल परिणाम आप हर बार फॉर्मूला अप्लाई करना ठीक है ये चीज़ ध्यान में रखना तो फर्स्ट का आंसर देखो सबसे पहले नंबर कितने से स्टार्ट है एक से पंद्रह तक यहाँ पर लिख लिया गया ठीक है तो कुल परिणाम हिंदी में लिखोगे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे फिफ्टीन यानी पंद्रह अनुकूल परिणाम हिंदी में लिखोगे और इंग्लिश में लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स अपने मीडियम के अनुसार लिखते रहना ठीक है दोनों मीडियम में एक साथ लिखा है ठीक है ध्यान रखना क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुकूल परिणाम यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उसमें चार की गुणज संख्या यानी कि मल्टीपल ऑफ फोर तो चार का टेबल देखो इसमें एक बार ये मिला फिर आठ फिर बारह अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं तीन चार आठ बारह यहाँ पर लिखा गया तो ये वन टू थ्री यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है ठीक है तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला अप्लाई कर दो आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में फॉर्मूला लिख लेना है मैंने ऊपर बता दिया डायरेक्ट लिखा है फेवरेबल आउटकम्स थ्री हो जाएगा टोटल कितना है फिफ्टीन थ्री अप ऑन फिफ्टीन कट करोगे थ्री वन जा थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन कट हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन फर्स्ट में राइट होगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू टू क्विंस आर टोस्ड साइमल्टी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी सॉल्यूशन देखो आंसर सेकंड जब दो सिक्के एक साथ उछालोगे तो मतलब टू का स्क्वायर कर दोगे एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है ठीक है तो टू इंटू टू कितना आ जाएगा टोटल आउटकम्स फोर ठीक है तो यहाँ पर लिखा गया फोर यानी कि कुल परिणाम हो जाएगा ठीक है कंडीशन क्या होगी दोनों बार हेड हो सकता है दोनों बार टेल हो सकता है या फिर हेड टेल हो सकता है या फिर टेल हेड हो सकता है चार कंडीशन होगी तो क्वेश्चन में कह रहा कि अधिकतम एक चित आने की चित का मतलब होता है हेड ठीक है ये चीज ध्यान में रखना तो ध्यान से देखो हेड इसमें भी आ गया एक इसमें भी है हेड इसमें भी है हेड फोर्थ वाले में नहीं ये दोनों टेल है तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम एक चित आने के कितने हो जाएंगे तीन वन टू थ्री यहाँ पर लिखा गया ठीक है समझ गए तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देना हिंदी वाले हिंदी के लिखेंगे इंग्लिश वाले इंग्लिश का ठीक है ना मैंने सबसे ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है ओके तो अनुकूल तीन है कुल चार है तीन बटे चार ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा ओके आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफेल डेक और फिफ्टी टू प्लेंग कार्ड्स वट इज़ द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग बावन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी से या दृक्षिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है काला बादशाह मिलने की प्रायिकता क्या है सॉल्यूशन देखो तो सबसे पहले आपको टोटल आउटकम्स पता है कितने होते हैं फिफ्टी टू बावन लिख दिया ठीक है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ब्लैक किंग काला बादशाह तो बादशाह की लिस्ट इधर है एक काला इधर है एक नीचे है इस लिस्ट में ठीक है बादशाह की लाइन में दो रेड होते हैं दो ब्लैक होते हैं ठीक है तो कह रहा है कि काला बादशाह तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे टू वन टू अगर क्वेश्चन में कहता कि टोटल बादशाह की प्रायिकता तो बादशाह टोटल होते हैं चार ठीक है तो हम चार बटे बावन लिखते हैं लेकिन यहाँ पर कराए काले बादशाह की प्रायिकता तो कितना लिखोगे दो और टोटल लिखोगे बावन अगर रेड की पूछा तब तो भी रेड भी दो ही होता है ध्यान रखना ठीक है तो सॉल्यूशन देखो आगे कैसे लिखोगे तो लिखोगे टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम बावन है फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम दो हैं दो कैसे हैं काले बादशाह दो होते हैं ठीक है तो फिर से फॉर्मूले अप्लाई कर देना अनुकूल यानी फेवरेबल कितने हैं टू और टोटल फिफ्टी टू कट करो टू वन जै टू इधर आएगा ट्वेंटी सिक्स वन में ट्वेंटी सिक्स ये आपका आंसर नंबर थर्ड होगा ओके आगे देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव संडेज ओकर इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ ए रैंडमली सिलेक्टेड ईयर या रूप से चयनित वर्ष के नवंबर महीने में पाँच रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए सॉल्यूशन देखो आंसर फोर हिंदी में लिखोगे हमें पता है कि नवंबर महीने में कुल दिन तीस होते हैं जिसमें सात चौक अट्ठाईस चार सप्ताह हो जाएंगे और तीस में दो और बचेगा दो दिन हो जाएंगे ठीक है ना यहाँ पर वही लिखा गया तो अट्ठाईस प्लस दो कितने हो जाएंगे तीस ठीक है इंग्लिश में लिखोगे वी नो दैट नवंबर मंथ हैज़ थर्टी डेज़ विच मीन्स फोर वीक्स एंड टू डेज ठीक है अब हमको तो पता है कि चार सप्ताह पूरे हैं तो चार संडे तो पूरा पूरा आएगा लेकिन दो दिन इसका पता नहीं दो दिन कौन सा हो सकता है तो यहाँ पर देखो ध्यान से संडे की बात कर रहा है संडे से स्टार्ट करेंगे तो ये दो दिन के हिसाब से संडे मंडे हो सकता है या फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे मंडे ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे वेंसडे या फिर वेंसडे थर्सडे या फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे ये कंडीशन हो सकती है तो फेवरेबल यानी अनुकूल परिणाम में संडे के हिसाब से देखो एक बार इसमें संडे मंडे हुआ संडे मिला एक बार इसमें सैटरडे संडे हुआ बाक़ी किसी में नहीं है ठीक है तो अनुकूल परिणाम संडे के अकॉर्डिंग कितने होंगे दो और टोटल कितने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है? है तो यहाँ लिखेंगे टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके सेवन ठीक है तो प्रायिकता यानी पी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करोगे फॉर्मूला लिख लेना अनुकूल आपके दो हैं कुल आपके साथ हैं टू अपॉन में सेवन ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ये चीज ध्यान में रखना क्लियर है।, है ये आंसर नंबर फोर है ऐसे लिख लो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन देखो कहीं पर डाउट होगा बता देना क्वेश्चन नंबर फाइव ए डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन सेवन एक पासा एक बार फेंका गया सात से कम की संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए सॉल्यूशन देखो आंसर जब एक पासा उछालेंगे या फिर फेंकेंगे तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं यानी कुल परिणाम होते हैं छः होते हैं एक आ सकता है दो आ सकता है तीन चार पाँच छः ठीक है ये कंडीशन होगी तो क्वेश्चन कह रहा है सात से कम प्राप्त होने की तो इंग्लिश में लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर आर लगा लेना फोर लिखा है फोर लेस देन सेवन ठीक है हिंदी में सात से कम के लिए अनुकूल परिणाम अब देखो सात से कम तो सात तो ज़्यादा है सारे कम हैं इसमें जितने भी हैं तो सिक्स हो जाएंगे ये भी ठीक है तो प्रायिकता का फॉर्मूला अप्लाई कर देना फॉर्मूला क्या बनेगा फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके सिक्स और टोटल भी सिक्स हैं सिक्स अपॉन सिक्स यानी कि कट करोगे वन मिलेगा ओके ये आंसर फाइव हो जाएगा ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यहाँ पर आप आर लगा लेना ठीक है ध्यान रखना अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स ए बॉक्स कॉन्टेंस नाइन्टी डिस्क विच आर नंबर्ड फ्राम वन टू नाइंटी इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्राम द बॉक्स फाइंड द प्रोबिलिटी दैट इट वेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन ए टू डिजिट नंबर अभी फर्स्ट क्वेश्चन केवल देखो ठीक है हिंदी में एक बॉक्स में नब्बे डिस्क हैं जिन पर एक से नब्बे तक क्रमांक अंकित है मतलब नंबर पड़े हैं यदि बॉक्स से यादृक रूप से एक डिस्क निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस डिस्क पर अंकित होगी पहला दो अंकों की एक संख्या ए टू डिजिट नंबर तो केवल फर्स्ट का आंसर पहले देखो ए टू डिजिट नंबर ये वाला ठीक है आंसर नंबर सिक्स टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम नब्बे हो जाएंगे क्योंकि एक से नब्बे तक के नंबर पड़े हैं डिस्क पर तो फर्स्ट क्वेश्चन में करा कि दो अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टू डिजिट नंबर तो जब दो अंक की बात करोगे तो सिंगल डिजिट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है टेन से डबल डिजिट स्टार्ट हो रही है तो टेन से लेकर नाइन्टी तक मतलब कि सीधा सा हिसाब है नाइन्टी में से नाइन माइनस कर दोगे आपको पता चल जाएगा एट्टी वन होगा दो अंकों की संख्या ठीक है तो आंसर में लिखोगे फॉर्मूला अप्लाई कर देना पी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने एट्टी वन और टोटल कितने नाइन्टी कट करो नाइन से नाइन नाइन जो एट्टी वन नाइन टेन जै नाइनटी नाइन अपॉन टेन आपको फर्स्ट का आंसर मिलेगा ठीक है सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या सॉल्यूशन देखो आंसर सेकंड में टोटल आउटकम्स तो नाइनटी होंगे यानी कि कुल परिणाम नब्बे ही होंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अनुकूल परिणाम इंग्लिश में फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एटी वन होंगे ठीक है ये परफेक्ट स्क्वायर है जैसे थर्टी सिक्स है तो ये सिक्स इंटू सिक्स का अगर सिक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा थर्टी सिक्स इसी प्रकार फोर है तो टू का स्क्वायर करोगे तो टू इंटू टू फोर आएगा ऐसे नाइन है तो थ्री का स्क्वायर होगा ये आएगा थ्री इन थ्री कितना आएगा नाइन्थ ये ध्यान में रखना है ठीक है ना वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे एक से नब्बे के बीच तो टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन लिखा गया फिर से फॉमूला अप्लाई करो तो टोटल कितने हो जाएंगे नाइन्टी और फेवरेबल कितने हैं आपके नाइन नाइन अपोन में नाइन्टी कट करो नाइन वन जै नाइन नाइन टेन जै नाइन्टी वन अपॉन में टेन आंसर मिलेगा ठीक आगे देखो थर्ड क्वेश्चन है ए नंबर डिविजिबल बाई फाइफ पाँच से विभाज्य एक संख्या सॉल्यूशन देखो लास्ट है ये आंसर थर्ड सिक्स का तो टोटल आपके नाइन्टी होंगे तो पाँच से विभाज्य संख्याओं के लिए अनुकूल परिणाम इंग्लिश में फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन नंबर डिविजिबल बाई फाइव कौन कौन से होंगे फाइव पे टेबल काउंट करो ठीक है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी डोट डोट नाइन्टी तक ऐसे ठीक है कितने हैं ये काउंट कर लेना ये एट्टीन है ठीक है वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन ठीक है तो फार्मूला अप्लाई करो फेवरेबल आपके एट्टीन है टोटल नाइन्टी है ठीक है कट करो एट्टीन वन जाए एट्टीन फाइव जैन नाइन्टी वन बाई फाइव आंसर मिलेगा ठीक है तो एक बार फिर से सारे आंसर देख लो फार्मूला सबसे पहले आपको लिखना है हर बार मैंने लिखा नहीं है इंग्लिश वाले इंग्लिश का हिंदी वाले हिंदी का आंसर वन आंसर टू आंसर थ्री आंसर फोर आंसर फाइव आंसर सिक्स का फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड तो आज की वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर